Okay, बेटे, yesterday we have done the acidic character and only of the acidic character of amino benzoic acid is remaining. And in the rest of the benzoic acid, you have studied if any group at the ortho is present, whether it is a plus I or minus I or plus R or minus R, it will make the acid a stronger one. Till tomorrow you have studied that. भी ऑर्थो पोजिशन में कोई भी ग्रुप हो, चाहे आप नाइट्रो लगा दो, चाहे आप CH3 लगा दो बेटे, तो देयर इज एन इफेक्ट नोन एज ऑर्थो इफेक्ट विच मेक द कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर. बट इन केस ऑफ अमाइंस, व्हेन यू विल ऐड अमाइंस टू इट, व्हेन यू विल ऐड NH2 हियर, देयर इज नो सच काइंड ऑफ ऑर्थो इफेक्ट बिकॉज NH2 is a base and COH is an acid. So this exists in a zwitter ion. Okay? This exists in a zwitter ion. That is why the ortho effect can't be possible in this case. Okay? The ortho effect can't be possible in the case. Now benzoic acid doesn't have any kind of group. This NH2 group has plus R effect and minus I effect at the ortho position. And on the meta position, it is having minus I. And at the para position, it is having minus I and plus R. Now, you can see, bete, on the case of benzoic, no group is present. On case of meta, only minus I effect is there. Theek hai? And in case of para, there is minus I and plus R. In case of ortho, there is plus R and minus I. So, jiska matlab jiske andar minus I laga hai, bete, wo to strong hona hi chahiye. Magar sab ki case mein, ye zwitter ion, matlab zwitter ion kya hota hai, bete? Jo self apne acid ko hi H plus provide kar deta hai. Jaise ki, we have done in the previous chapter 2, you have this. ये COO नेगेटिव, ये NH चाहे यहाँ पे लगा हो तो यहाँ पे भी प्रोवाइड कर देगा, मतलब है तो मॉलिक्यूल ही ज्विटर आयन. तो मगर जो ऑर्थो पोजीशन है उसमें ज्विटर आयन बनने की ज्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी हम ये कहेंगे. तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेंजोइक एसिड हो जाएगा जिसमें देयर इज नो ज्विटर आयन. ठीक, देन देयर इज अ मेटा एसिड, इधर ज्विटर आयन है मगर माइनस आई इफेक्ट है. ठीक है, देन देयर विल बी बेटे ऑर्थो एसिड. वाई? क्योंकि जो ऑर्थो पोजिशन पे आता है उसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट है, क्योंकि प्लस आर ऑर्थो पोजिशन पे भी लग रहा है और मेटा पोजिशन पे भी लग रहा है. और आपको पता है कि माइनस आई एक डिस्टेंस इफेक्ट है, तो माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ऑर्थो पोजिशन पे ज्यादा लगेगा, पैरा पोजिशन पे कम लगेगा. तो आपका जो एसिडिक ऑर्डर होता है, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड वन, this is the third one and this is the fourth one. Only in the case of amines, otherwise in all of the acid you have done, any group attached to the ortho position, it will make the acid more acidic, as the case there is an effect known as ortho effect. Okay, so to conclude it, any electron withdrawing group attached to an acid will make it more acidic, and any electron donating group attached to the acid will make it weak acid. Okay, it will make it a weak acid depending. So if we compare benzoic acid to another acid like nitro, nitro ka bete dono effect hote hain minus I or minus R. So minus I sirf meta pe, you will always remember, मेटा पे हमेशा माइनस आई लगता है, ऑर्थो पैरा पे माइनस आई और माइनस आर दोनों लगते हैं. जब माइनस आई माइनस आर दोनों लग रहे होंगे तो आपके ऑर्थो और पैरा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मेटा थर्ड नंबर पे अगर लास्ट पे बेंजोइक एसिड आ जाएगा. जब आपके पास माइनस आई लग रहा हो मगर साथ में प्लस आर लग रहा हो तो मेटा आगे आ जाएगा, जैसे ये वाला केस है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ माइनस आई लग रहा है, प्लस आर नहीं लग रहा. ठीक है, और प्लस आर वाला वीक बन जाएगा. और आर बेटे चाहे ऑर्थो है चाहे पैरा है, उसका इफेक्ट सेम रहता है, मगर जो आई है वो डिस्टेंस का होता है. ठीक है, आई ही इज ऑफ अ डिस्टेंस.
और अगर आपका प्लस आई प्लस आर दोनों लग रहे हैं तो पैरा तो वीक हो गई, ऑर्थो नहीं वीक होगा, ऑर्थो पे ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा, ठीक है, ऑर्थो पे ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा। तो वी हैव डन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था चैप्टर का। अच्छा, अब जब हमने प्रेपरेशन की, लेट अस कम टू द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आफ्टर द एसिडिक नेचर। जब हमने प्रिपरेशन करी थी, इफ यू रिमेम्बर, ऑफ द एसिड्स, बट वी हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम देयर एसिड डेरिवेटिव्स। तो एसिड डेरिवेटिव कौन से लिए थे आपने? एनहाइड्रेट लिए थे आपने, एस्टर्स लिए थे आपने, अमाइड्स लिए थी आपने, एसीटोनाइड ली थी। अगर तभी भी हमने ये बोला था कि बेटे एनहाइड्राइड से हम वापिस एसिड्स बना सकते हैं, क्योंकि ये एसिड के डेरिवेटिव हैं। तो इन एसिड से ये जो डेरिवेटिव्स हम बना ही सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस मेक डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ द एसिड्स फ्रॉम द एसिड इटसेल्फ। सबसे पहले हम एनहाइड्राइड बनाएं, लेट अस प्रिपेयर एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होता है बेटे? टू एसिड्स को मिलकर उसमें से वाटर निकालना, ठीक है। टू एसिड्स आर सी, लेट मी टेक एन एसिड फॉर यू, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो यहां से क्या निकलेगा बेटे? वाटर। अब वाटर निकालने के लिए हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो डालना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना एज सच निकल जाएगा। यू नीड अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, लाइक वाइज यू कैन प्रोवाइड एन एसिडिक मीडियम और हीट करो, या फॉस्फोरस पेंटोक्साइड डाल दो, एसिडिक मीडियम लेके हीट करो या फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड डाल दो, तो आपका क्या निकल जाएगा? यू वाटर विल बी रिमूव एंड यू विल बी गेटिंग एन एनहाइड्राइड। दिस इज द वन ऑफ द एसिड डेरिवेटिव। और अगर इसमें हम वाटर फिर से प्रोवाइड करें तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा? एसिड। तो हमने प्रिपरेशन में इन्हीं डेरिवेटिव को लेके एसिड बनाए थे, अब वही चीज हम उल्टा कर रहे हैं बेटे, इन्हीं एनहाइड्राइड को लेके, सॉरी इन्हीं एसिड को लेके अब एनहाइड्राइड बना रहे हैं, क्योंकि हम केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। फॉर द पॉइंट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटे लेट अस प्रिपेयर एस्टर। अब एस्टर हमें तो क्लास टेंथ में आपने बना लिए थे, कैसे अल्कोहल और एसिड को रिएक्ट करके एक ही तो रिएक्शन आप करते थे, ठीक है। एस्टर, तो यू हैव एसिड, एनी एसिड, लेट मी टेक अगेन इथेनोइक एसिड फॉर यू, एंड यू हैव एनी अल्कोहल लाइक मीथेनॉल। ठीक है, एंड यू आर प्रोवाइड एन एसिडिक मीडियम सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एसिड कौन सा प्रोवाइड करते हैं हम? सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड ऑल्सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा? इट विल रिमूव एंड वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो रिवर्सिबल वन। मगर इस रिएक्शन में बेटे एसिड से ओ एच जाता है और आपके एल्कोहल से एच जाता है। ठीक है, एसिड से ओ एच जाता है और एल्कोहल से एच जाता है, तो यू विल फॉर्म एन एस्टर बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। दिस इज मिथाइल एसीटेट, द प्रोडक्ट फॉर्म इज मिथाइल एसीटेट। ओके, ठीक है बेटे, यस और नो? ऑल आर स्लीपिंग सॉन्ग। पार्टिसिपेंट्स के बारे में
होते हैं, ठीक है। अब लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। जैसे मैंने आपको बोला कि ड्यूरिंग स्टेरिफिकेशन आपके एसिड में से एच प्लस जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ये जो एच प्लस है ये लोन पेयर पे अटैक करेगा। अब लोन पेयर इसको नजर आ रहे हैं एसिड के ऑक्सीजन के ऊपर, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच लेट मी मेक हियर, और इस ये एच प्लस जो आपने कैटलिस्ट दिया है इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा। अब ऑक्सीजन क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक बार ही आएगा, तो उसके बाद हम ये डबल बॉन्ड इसका किसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे, हम ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर आ गया जी पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन बेटे पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इस हमारा जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर अल्कोहल आएगा, अल्कोहल विल कम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो ये अपने ऑक्सीजन से इसके ऊपर अटैक करेगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आर सी ओ एच ओ एच ओ आर एच। अब क्योंकि इसने अपने लोन पेयर से अटैक किया है तो पॉजिटिव चार्ज बेटे इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा। अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव ऑक्सीजन क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकती, यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, मतलब एच पॉजिटिव ट्रांसफर होगा किसके ऊपर, इन लोन पेयर के ऊपर, ठीक है। ये एच प्लस यहाँ के यहाँ पे अटैक करेगा। अब जब यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो यू विल गेट इससे यहाँ पे बेटे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब फिर ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब ऑक्सीजन ने क्या करना है, ऑक्सीजन ने ये वाली चीज ये बॉन्ड लेके एज ए वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाना, इट विल रिमूव एज एन वॉटर मॉलिक्यूल, ठीक है। आई विल कॉन्टिन्यू द रिएक्शन लाइक दिस, नाउ यू विल गेट आर सी ओ एच ओ आर, ठीक है। अब इसे बोलेंगे बेटे प्रोटोनेटेड एस्टर, क्योंकि यहाँ पे एच पॉजिटिव इसके ऊपर, अब ये एच इसको चाहिए नहीं, वैसे भी हमारा एसिड से एच पॉजिटिव आया है जो कि एक कैटलिस्ट है, तो इसको ये एच चाहिए नहीं, एंड में ये एच निकल जाता है जो कैटलिस्ट से आया है, तो ये जब एच निकलेगा ये डबल बॉन्ड देके जाएगा, तो आपकी क्या होगी बेटे एस्टेरिफिकेशन। ओके एवरीवन गॉट, यस बेटे, यस ओके वन थम्स अप ऑल, बस बाकी तो चलो ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट बेटे फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर्स, लाइक वी हैव प्रिपेयर्ड डेरिवेटिव ऑन एसिड जो एक फेनहाइड्राइड, अब एस्टर्स भी बना लिए, अब लेट अस प्रिपेयर एसिक्लोराइड एंड अमाइड्स, ठीक है। सो एसिड क्लोराइड्स व्हेन यू विल टेक एन एसिड, और ये सारे रिएजेंट आपने इवन जब अल्कोहल से आप हेलो एल्केन्स प्रिपेयर करते थे तो यही सब कुछ लेते थे, तब भी PCl5 PCl3 या थायोनाइल क्लोराइड डाजन प्रोसेस अगर आपको याद हो तो ये सब कुछ बेटे वही लिए। उस केस में हमने अल्कोहल से हेलो एल्केन्स बनाई थी, इस केस में हम एसिड से एसिड क्लोराइड बना रहे हैं, ठीक है।
रिएजेंट वही लिए हैं, देखो हमने रिएजेंट वही लिए हैं, तो एसिड क्लोराइड बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, और उस केस में जैसे हमारे बाई प्रोडक्ट निकलते थे सेम वही निकलने। अगर पीसीए लेते थे तो आप याद करो वहां पे फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और एचसीएल था। ठीक है, इस केस में फॉस्फोरस एसिड था, और डार्जन प्रोसेस के केस में क्या था, हम कहते थे भी इसके जो बाई प्रोडक्ट है दोनों गैसेस हैं उड़ जाते हैं, तो ये प्योर प्रोडक्ट देता है। तो इफ यू रिमेम्बर देयर इज अ सल्फर डाइऑक्साइड एंड एचसीएल, तो सेम वही बाई प्रोडक्ट है, सेम वही रिएजेंट लिए हैं। वहां पे हेलोल्केन्स बनाए थे क्योंकि हमने वहां पे अल्कोहल लिया था, क्योंकि यहाँ पे हम एसिड लेते हैं तो हमारे पास एसिड क्लोराइड्स बन गए। ठीक है जी, हाँ जी, तो सुन रहे हो, यू आर इंजॉइंग योर फेयरवेल्स एंड ऑल, बट यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फ्रॉम योर जेईज एंड नीट और नॉट एंड बोर्ड एग्जाम्स। यस हाँ जी, ओनली वन थम्स अप इज ऑलवेज देयर। ठीक है, अब जैसे एसिड क्लोराइड बनाई है बेटे, द लास्ट डेरिवेटिव इज अमाइड। अमाइड कैसे बनता है, अमोनिया के साथ रिएक्ट करके। ठीक है, सो लेट अस प्रिपेयर अमाइड। अमाइड जब हम किसी भी एसिड को अमोनिया से रिएक्ट करोगे तो पहले इसका सॉल्ट बन जाएगा, क्योंकि एसिड प्लस बेस गिव यू व्हाट यू सॉल्ट, तो सबसे पहले हम इसका सॉल्ट बना देंगे। ठीक है, ये दोनों हो गए रिएक्ट, फिर इस सॉल्ट में से क्या निकलेगा, वाटर, क्योंकि हर चीज से हम हीट करके अगर इसमें से वाटर निकाल दें तो हमारे पास अमाइड बन जाएंगे। ठीक है, वी विल रिसीव अमाइड। वेरी इंपॉर्टेंट इज थैलामाइड, वो आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि थैलामाइड से थैलामीड बनता है, वो आपको फर्दर हेल्प करता है। ठीक है, थैलामाइड से थैलामाइन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि इज यूज फर्दर ऑल्सो। तो दिस इज थैलिक एसिड बेटे, ये हमने आगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड स्टार्ट करने, उसमें गैब्राइल थैलामाइड रिएक्शन है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि थैलामाइड है क्या, बनता कैसे, तो तभी आप गैब्राइल थैलामाइड करोगे। तो जब आप अमोनिया से रिएक्ट करोगे यू विल गेट अगेन द सेम को, जब हीट करोगे ये होता है बेटे थैलामाइड और ये होता है थैलिक एसिड। और जिससे अमाइड बनती है वो दैट इज अ थैलामाइड। ठीक है, ओके, ठीक है, अब ये थैलामाइड बन गई, ए एम आई डी, चलो मैं लिख दूं टी, अमाइड। उसके बाद जब यहां से फिर से आप बहुत ज्यादा हीटिंग कर देते हो तो एक तरह की एनहाइड्रेट बन जाती है, उसे वो भी थैलामाइड है, ए काट के आई आ जाते हैं, मतलब इसकी भी एनहाइड्रेट करवा दी आपने, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवाई। यू विल गेट दिस,
यू विल गेट दिस। और ये हम बेटे बाद में जब हमने गैब्राइल थैलामाइड करनी है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से, तब आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से ऑब्टेंड होती है। ये हमें थैलिक एसिड से मिलती है। थैलिक एसिड ये होता है 1,2-dicarboxylic बेंजिक एसिड, बेंजीन एसिड। तो आपने ये थैलिक एसिड लेना है, उससे ये एसिड प्रिपेयर होती है। फॉर द पॉइंट, और इस केस में सॉरी अभी यहाँ पे नाइट्रोजन निकलेगी, यहाँ पे अमोनिया निकल जाएगी, यहाँ से NH2 और यहाँ से 1 हाइड्रोजन यहाँ से जाएगी, देर इज NH3 निकलेगी। और ये कब निकलेगी? वेन एवर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग हीटिंग। यस बेटे, डन एवरीवन। तो ये रिएक्शन अभी तो चलो कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं पूछी जाती, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये नहीं आएगी बेटे। सी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत बड़ा चैप्टर है। एल्डिहाइड कीटोन्स में ही बहुत सारी नेमिंग रिएक्शंस पढ़ी है, डिस्टिंग्विश टेस्ट पढ़े हैं और कुछ भी पढ़ा है। तो ये वाली रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, ये वाली रिएक्शन आती है जब यू विल डू द नेक्स्ट चैप्टर। Got it? Yes or no? And today you are having the practical too. And in the practical, we will discuss the previous first basic कैसे निकालने, and then we will move towards the next group in the coming practical. And maybe your school will be open or government is planning to open for class 10th and 12th. So be prepared. Okay. So now the next reaction is बेटे after this reduction, you know when you will reduce an acid with a strong reducing agent, you will certainly get alcohol from it. Okay? So taking a reducing agent like lithium aluminium hydride, you will get an alcohol from an acid. And one more reaction, that is decarboxylation, which you have done in class plus one also. Reduction. You will take acid in presence of a strong oxidizing agent like lithium aluminium hydride, certainly you will get alcohol from it. Okay, you will get alcohol from it. And one is better decarboxylation reaction. This is also very important. This is used in the conversions. ऐसे नहीं लिखने को बोला जाता आपको, मगर ये कन्वर्जन्स में कार्बोक्सिलिक एसिड में कहीं ना कहीं आ जाती है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आप करोगे, क्योंकि इसमें कार्बन एटम्स कम होते हैं। इफ़ यू रिमेम्बर, आपने क्लास प्लस वन में करी हुई है सोडा लाइम की प्रेजेंस में, तो यू हैव टेकन NaOH एंड यू हैव टेकन कैल्शियम ऑक्साइड एंड हीटेड, दिस इज अ सोडा लाइम व्हाट यू टेक। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट रिलीज होता है और आपके पास एल्केन्स बनती है। ये रिएक्शन आती थी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में, और इसमें कार्बन एटम कम होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव टेकन बेटे एसिडिक एसिड एंड इफ आई हैव टेकन अ सोडा लाइम, तो इसे यू विल गेट एन एल्केन आर एच, तो मिथेन, तो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, डी कार्बोक्सीलेशन क्यों है, देखो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ कंबाइन हो जाए। ठीक है, दिस इज डी कार्बोक्सीलेशन रिएक्शन। अरे यू विल टेक एन सोडा लाइम बेटे यहाँ पे, क्योंकि ये आपका निकलता है, तो यहाँ पे यू विल टेक एन ए सॉल्ट ऑफ एन एसिड, इट करेक्ट, यू विल टेक अ सॉल्ट ऑफ एन एसिड। ठीक है, सोडियम सॉल्ट, तो भी ऐसे निकलता है Na2 ठीक है, Na2CO3, ये भी कार्बन बीच में, और ये हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट निकलता है एंड यू विल टेक, दो आप करते थे, एक करते थे आप कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस,
और एक आप करते थे डी कार्बोक्सिलेशन, दोनों में आपको एल्केन्स मिलती थी, और इसमें जो एल्केन है वो सोडा लाइम के साथ ट्रीट करते थे, और कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस में यू यूज टू डू द रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें आप एसिड को इलेक्ट्रोलाइज करके अगेन आप सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लेते थे, तो डिपेंडिंग यू आर यूज टू गेट एल्केन एल्कीन एंड काइन, विच काइंड ऑफ एसिड यू हैव टेकन, तो वो भी आप रिएक्शन कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज ये रिएक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका जो एसिड है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज होते हैं और ये कन्वर्जन्स में आती है, ये रिएक्शन आप ध्यान रखना बेटे। अगर आप यू हैव अ टाइम यू कैन गो थ्रू +1, तो यू कैन ऑल्सो डू द रिएक्शन ऑफ पॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इफ यू विल टेक इथेनोइक एसिड यू विल सर्टेनली गेट इथेन नॉट मिथेन, इन दिस इफ यू आर टेकिंग इथेनोइक एसिड यू विल बी गेटिंग मिथेन, इफ यू हैविंग प्रोपेनोइक एसिड यू विल बी गेटिंग इथेन, सो इट इज अ डिसेंडिंग द सीरीज ऑफ रिएक्शन, दैट इज वाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, हियर द नंबर ऑफ कार्बन एटम विल डिक्रीज एज द कार्बन विल बी रिलीज और डी कार्बोक्सिलेटेड एंड इट विल फॉर्म अ सोडियम कार्बोनेट विद NaOH, लाइक Na2 Na2 CO3, एंड दिस हाइड्रोजन विल कंबाइन। नो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आफ्टर दिस डी कार्बोक्सिलेशन, सी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड, इफ वन रिएक्शन दैट इज एसिडिक करेक्टर ऑफ एन एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन दिस रिएक्शन डजेंट कम एज सच बट एज कन्वर्जन, दिस रिएक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। And now the naming reaction that is known as HVZ reaction is very important reaction, that is Hell-Wallend-Zelecki reaction is very important बेटे। तो let us do, उसमें सिर्फ आपने याद रखना है कि हमने हेलोजन और रेड फॉस्फोरस लेना है। ओके so HVZ that is Hell-Wallend-Zelecki reaction इनकी रिएक्शन, इसमें कुछ नहीं करना आपने, एसिड में जो एसिड के साथ वाला जो ये कार्बन है उसके हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं बेटे, उसके हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और उसकी जगह पे हेलोजन आ जाता है, बस आपने ये याद रखना है। ऐसी ही आती है जस्ट 1 मार्क्स की कि यू हैव टू राइट अबाउट दिस रिएक्शन, इसमें आप हेलोजन जो भी लोगे और आपने रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में इसको हीट करना है, ठीक है, और फिर इसको इलेक्ट्रोलाइट, फिर इसको हाइड्रेशन प्रोवाइड करनी है, तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। लाइकवाइज इफ आई एम हैविंग दिस एसिड If I am having this halogen as a chlorine and red phosphorus, तो बेटे ये सच एग्जाम में आ जाती है, बहुत बारी आ चुकी है, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बराइज कि इसमें, और ये रिएक्शन बेटे कॉन्टिन्यू रहती है जब तक ये जो सात वाले कार्बन से जितने हाइड्रोजन है सारे रिमूव नहीं हो जाते। अब इफ विल कंटेनिंग 1, 2 हाइड्रोजन देन 2 विल बी रिमूव, इफ इट विल बी कंटेनिंग 3 हाइड्रोजन एज इन द केस ऑफ एसिडिक एसिड, ये 3 हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड एंड यू विल बी गेटिंग 3 हेलोजन फ्रॉम इट। ओके सो दिस रिएक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एज सच HVZ आ जाएगी। उसके बाद हम हेलोरीन्स भी देख लें। अब बेंजीन है, बेंजीन किस टाइप ऑफ रिएक्शन जाती है,
बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जो भी आप इलेक्ट्रोफाइल लेके आओगे वो बेंजोइक एसिड के ऊपर कहाँ लगेगा? ये बेंजोइक एसिड है, अगर बेंजीन होती तो कहीं मर्जी लग जाना था, मगर अब जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है फॉर एग्जांपल अगर क्लोरीन है वो कहाँ लगेगा जी? इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। तो आपको पता है कि जो एसिड ग्रुप्स होते हैं बेटे, दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो हेलोजन लेके आओगे तो ये मेटा पोजीशन पे जाएगा, ठीक है, इट विल कम टू द मेटा पोजीशन। ये सारे माइनस आर ग्रुप होते हैं। इन द सेम वे आप कुछ मर्जी करवा दो, आप सल्फोनेशन करवा दो, आप फ्रीडक्राफ्ट एल्काइलेशन करवा दो, आप एसाइलेशन करवा दो, जो मर्जी करवा दो, अगर आप सल्फोनेशन करवाते हो, से कहते हैं ओलियम, यू हैव डन पी ब्लॉक नाउ, तो मेटा पोजीशन पे सल्फोनेशन हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप नाइट्रेशन करवाना चाहते हो तो नाइट्रेशन करवा दो, तो मेटा पोजीशन पे नाइट्रेशन हो जाएगी। ओके, सो द चैप्टर इज हेंस फिनिश्ड बेटे, एंड विल स्टार्ट विद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑन मंडे, एंड ऑन मंडे यू आर हैविंग टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर, पर्टिकुलरली द नेमिंग रिएक्शन एंड डिस्टिंग्विश टेस्ट, ठीक है। ऑन मंडे वी विल बी हैविंग दिस टेस्ट, ट्राई टू अटेम्प्ट द टेस्ट, एंड देन स्टार्टिंग विद द अमीन्स, अमीन भी सुनना, और जब ये अमीन्स खत्म हो जाएंगे योर सिलेबस विल बी फिनिश, एज द फिजिकल केमिस्ट्री वी हैव डन ऑलरेडी, वी विल प्रैक्टिस द सैम्पल पेपर्स देन एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ द चैप्टर। ओके, चलो मीटिंग यू ऑन मंडे, नो टूडे ऑल्सो इन द प्रैक्टिकल पीरियड, यू आर हैविंग फिफ्थ पीरियड एज अ प्रैक्टिकल पीरियड, सो ज्वाइन इट।